नमस्कार, मैं रंजना आप सभी का स्वागत कर रही हूँ रंजनास चूल्हा में। आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का जूस यानी कि वाटरमेलन जूस। अभी समर का सीजन चल रहा है, वाटरमेलन भरपूर मिल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, बाहर से तो हम खा नहीं सकते, बाहर का खाना सेफ भी नहीं है। अभी तो क्या है, हम बाहर का खाना को अभी छोड़ दें, हम पूरा परिवार को देखते हैं, पूरा बच्चों को देखते हैं, बड़े बूढ़े को देखते हैं, बाहर का खाना पूरा छोड़ के हम क्यों ना घर में ये सब चीज बना के खाएं। तो वाटरमेलन तो घर के सामने ही आ जा रहा है, तरबूज सामने ही आ जा रहा है, बेचने के लिए आ जा रहे हैं, तो हम खरीद लें और अच्छा से शरबत बना के हम पूरा परिवार के साथ मजा लें शरबत का। क्यों बाहर जाए, क्यों बीमारी को घर लाए हम, और क्यों हम पूरा परिवार को मुसीबत में डालें। तो उसे अच्छा हम घर में ही रहें, सेफ रहें, वाटरमेलन लेते हैं, जूस बनाते हैं, पूरे परिवार के साथ हम जूस का मजा लेते हैं, गर्मी सीजन का मजा लेते हैं, घर में बैठ के हम पूरे सेफ रहें, एंजॉय करें। तो चलिए तरबूज का शरबत बनाते हैं। तरबूज का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए तरबूज, जो कि मैं एक तरबूज का आधा ली हूँ, आधा काट के, पुदीना पत्ता, भुने हुए जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च पाउडर और शक्कर। तो चलिए इस तरबूज को पहले हम पीसेस से काट लेते हैं। इसी तरह से हम सारे तरबूज को काट लेते हैं। देखिए हमने सारे तरबूज काट लिए, अब इसको अभी एक ग्राइंडिंग जार में इसको हम पीस लेते हैं। सारे तरबूज को हम ग्राइंडिंग जार में दे देते हैं। देखिए सारे तरबूज हमने ग्राइंडिंग जार में ले लिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पुदीना पत्ता। पुदीना पत्ता पहले से मैं धो के साफ करके सुखा कर रखी हूँ, तो डालेंगे पुदीना पत्ता। फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है पुदीना पत्ता, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। काली मिर्च पाउडर भी आधा छोटा चम्मच डालेंगे। भुना हुआ जीरा भी आधा छोटा चम्मच। काला नमक देंगे आधा छोटा चम्मच, और शक्कर देंगे। शक्कर मैं 3 चम्मच दे रही हूँ, क्योंकि तरबूज भी मीठा रहता है, तो मैंने 3 चम्मच शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि कोई मीठा पसंद भी नहीं करते हैं, तो इसी हिसाब से आप शक्कर दीजिएगा। अब सारी चीज़ों को बिना पानी दिए हम ग्राइंड कर देंगे। देखिए हमने पीस लिए, अब इसे हम छानेंगे। देखिए जूस को हमने छान लिए, अब इसको सर्विंग ग्लास में हम डालेंगे। सबसे पहले तो हम ग्लास में आइस क्यूब दे देंगे। इसके बाद हम तरबूज का जूस जो निकाले हैं उसको डाल देंगे। तरबूज को छोटे टुकड़ों में हम काट लिए हैं, तरबूज भी डाल देंगे। देखिए तरबूज शरबत बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अभी हम गार्निश के लिए पुदीना पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी जीरा पाउडर हम स्प्रेड कर लेते हैं।
देखिए तरबूज शरबत बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है बनाना इसको। इसको जरूर आप घर में बनाइएगा। गर्मी के सीजन में तरबूज का शरबत जरूर बना के सब परिवार के साथ आप तरबूज का शरबत पीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो नया नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।